हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी सर कि रिवीजन कैसे किया जाए, रिवीजन करने का क्या इफेक्टिव तरीका होगा, रिवीजन में किन किन बातों को ध्यान में रखना है और रिवीजन से हमको क्या फ़ायदा होगा। रिवीजन के बारे में सभी जानते हैं कि रिवीजन से हमको क्या फ़ायदा होता है, जो ऑलरेडी वो पढ़ चुके होते हैं वो उनका क्लियर हो जाता है। मगर रिवीजन के बारे में बात करने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि रिवीजन आखिर में होता क्या है और रिवीजन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो उसी को हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे और बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चाहे वो कोई 6 क्लास का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये वीडियो शायद फायदेमंद हो। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। अब मैंने अपने हिसाब से रिवीजन करना चाहते हैं तो कोई सिर्फ रिवीजन नहीं कर सकते कि आप बैठे और रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए। पहले आपको ये समझना पड़ेगा रिवीजन होता क्या है, कि यहाँ पे जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि रिवीजन मतलब आप इसको दो पार्ट में बांटिए तो री और विजन से मिलके बना है। मतलब आपको विजन फिर से री करना है, मतलब विजन जो विजन मतलब देखना है, फिर से उस चीजों को देखना है। इसका मतलब किसको देखना है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब एज अ होल इफेक्टिव हम सिर्फ रिवीजन को, ऐसा नहीं कि आज उठे और चलो रिवीजन करते हैं। रिवीजन आप सिंपली सिर्फ रिवीजन नहीं कर सकते, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रीडिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाना है, टाइम कैसे मैनेज करना है और साथ ही साथ रिवीजन भी कैसे करना है। तो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है और ये आपको, ये आप तीनों चीज एक साथ जब करते हैं, हो सकता है कुछ लोग इसको और ज्यादा ऐड करें, कुछ और चीजें भी इंक्लूड कर दें, तो ये पूरा का पूरा मिलकर आपका एक इफेक्टिव स्टडी बनाता है, एक इफेक्टिव स्टडी मॉड्यूल होता है। कि अगर आप एक अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, सक्सेसफुल स्टडी करना चाहते हैं, जिससे आपके नंबर अच्छे हो, नॉलेज मिले, तो इसमें आपका सब कुछ क्यूमुलेटिव होता है। आपको टाइम रीडिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी, नोट्स भी अच्छे से बनाना पड़ेगा, टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आपका स्कूल है, ट्यूशन है, आपके खुद का काम धाम है, आप खुद अगर टीवी देखना चाहते हैं, थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी होगा। फिर उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए अपनी पढ़ाई के, उसको उसके साथ साथ रिवाइज भी करना है। रिविजन भी बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है वो आगे आपको अभी पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस हाँ सर रिवाइज करना है तो कैसे करें। रिवाइज आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए रिवीजन का मतलब क्या होता है। रिवीजन वो होता है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आपने अगर आप जेम की तैयारी करें तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पूरा पढ़े होंगे, आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप उस चीज को भूल चुके हैं तो उसको फिर से आप रिविजिट करेंगे, फिर आप रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं है या आपने पढ़ा है और आप बिल्कुल भूल चुके हैं। मान लिया आपने भूले हैं, 80% भूल चुके हैं या 60% भूल चुके हैं या 50%, 50% तक भी ठीक है। चलिए आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था, आपको हल्का हल्का सा याद है। अब आपको यही नहीं याद है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपका कस्मेंटल कोर है या फिर डेप्थ कहाँ कहाँ पे है, कितनी डिस्कॉन्टिन्यूटी, हल्की हल्का तो पता होना चाहिए कि दो मेन मेन दो तरह की डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है या तीन तरह की होती है। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप रिवाइज करेंगे जाके। अब आपने पढ़ा ही नहीं और आपको याद भी नहीं ना, तो फिर आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, तब रिवीजन काम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि रीडिंग के साथ साथ ही रिवीजन भी चलता जाएगा। हाँ, अब क्या है कि आप पढ़ चुके हैं, अब आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको फिर से वो चैप्टर पूरा याद हो जाएगा, तो वो रिविजन का पार्ट होगा। ठीक है, इस पे रिवीजन पे ही पूरा मेन डिटेल वीडियो रहेगा, बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि जब आप रीडिंग करना चाहते हैं तो रीडिंग और मेकिंग नोट्स करते हैं, इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग और मेकिंग नोट्स भी आपको फायदा करेगी रिवीजन में। कैसे रिवीजन फायदा करेगी, वही हम यहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब रीडिंग में आप क्या करते हैं, जब कोई चीज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, तो उसको आपको कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है, किस वजह से कह रहा है, क्यों कह रहा है, कब कह रहा है, किसने कहा है, ये पूरा का पूरा चीज उसमें क्लियर हो जाए। इसका मतलब उसके पूरी चीजें आपको आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ये आप जो आपने एक पेज रीड किया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें या स्ट्रक्चर जूलॉजी में फॉल्ट की बात करें, फॉल्ट की बात करें, तो उसकी डिफिनेशन क्या है, वो कैसे बना है, क्या बना है, वो सब चीजें आपका क्लियर होनी चाहिए। उसको कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग कहते हैं। ऐसा नहीं कि पेज खोल के, क्यों बुक खोल के बैठे हुए पेज में देख रहे हैं, बस पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, और एक पेज हो गया, दो पेज हो गया, तीन पेज हो गया, फिर बगल से कोई आके कुछ कहता है, करता है, तो अरे ये पीछे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा था वो तो याद ही नहीं आ रहा। मान ली पढ़ते पढ़ते आ गया कि फिगर 1 या एज पर द एबव पैराग्राफ, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने अरे ऊपर तो क्या लिखा हुआ था। तो यही रीडिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप पढ़िए, चाहे एक पेज पढ़िए, चाहे दो पेज पढ़िए, चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए, चाहे एक लाइन पढ़िए, वो लाइन पढ़िए, अगर वो लाइन इंपॉर्टेंट है तो आपके दिमाग में बस जानी चाहिए,
उसको अंडरलाइन करना है, उससे आपकी नोट्स मेकिंग में स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट के लिए क्या है, ये मान लीजिए आपकी बुक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इवन आप मार्जिन पे लिख सकते हैं कि हाँ इस पेज पे हमको ये कॉन्सेप्ट अच्छा मिला, आप उसको अंडरलाइन अच्छे से कर सकते हैं, अलग से एक नोट्स बना सकते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या बुक, एक बुक फ्लैग आता है इसका, उसमें पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं ना। आप, हम लोग इन जनरल क्या कहते थे कि पेज को फोल्ड कर सकते थे कि यहाँ पे हमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है। ये सब काम मदद करेंगे आपको, मैं बताता हूँ, ये मदद करेंगे आपको आपके नोट्स बनाने में। फिर से आपको पूरी पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो चीजें मेन आपने हाईलाइट किया है, आपने जैसे आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो उसमें कृष्ण मंत्र को आपने हाईलाइट किया था कि हाँ ये तीन मेन हेडिंग है, फिर कृष्ण में क्या है, मेंटल में क्या है, फिर कोर में क्या है, तो ये हाईलाइटेड करते करते आप छोटे छोटे अच्छे अच्छे नोट्स बना लेंगे। नोट्स दो तरह के से बनेंगे, वो उसका कैसे यूज होगा वो भी हम बताते हैं आपको। जैसे कि हमने बताया कि आपने जो हाईलाइट किया उसको आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज करेंगे, अपने नोट्स बनाने के लिए यूज करेंगे। ये आपके नोट्स बनाने के लिए होंगे, जो कि नोट्स आपके या तो शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग नोट्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब कि आप जिसमें आपके फिगर्स में बहुत माइन्यूट डिटेल्स हों आपके, और जो आपको जल्दी से आ जाए उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट ग्रैप किया, फिर हाईलाइट कर दिया नोट्स बनाने के लिए, फिर आपको उसने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब आप अपने आप को सिंथेसाइज करिए उस पूरा टॉपिक अपने आप से, कि क्या आप एबल टू अंडरस्टैंड, आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया है कि नहीं हो गया, आपको अच्छे से पता चल गया है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करी या कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो गया है कि नहीं याद हो गया। ये कैसे पता चलेगा आपको, अगर आपका आंसर यस है तो क्या आप उसको आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो सिंपल वर्ड में सोच सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में सोच सकते हैं तो क्या सिंपल वर्ड में किसी बच्चे को या किसी ले माइंड को या मतलब उस आदमी को समझा सकते हैं जिसने उस टॉपिक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं ना। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब उस टॉपिक के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप कहीं पे भी, ये इसमें भी, इसी में हम आ जाते हैं फेमन लेक्चर, फेमन साइंटिस्ट थे डॉक्टर फेमन, रिचर्ड फेमन, उनका ही कोट है कि अगर आप अच्छे से सिंपल वर्ड में किसी टॉपिक को जो आपने पढ़ा, बच्चे को अच्छे सिंपली किसी को नहीं समझा सकते, इसका मतलब उसका टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। तो जब भी कोई चीज़ पढ़िए उसको आसानी से समझने की कोशिश करिए कि ये कहना क्या चाहता है। जहाँ पे जब आपका ऐसा हो जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है, समझ लीजिए कि आपको वो टॉपिक अच्छे से पता चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक दिया था रीडिंग और नोट्स मेकिंग के बारे में, और हमारा आज का टॉपिक रिविजन का था, तो रिविजन पर हम ज़्यादा कंसनट्रेट करेंगे। अब मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात कही कि आपके पास सब कुछ चलता रहता है, आपको नोट्स भी बनाना है, क्लास भी अटेंड करना है, कोचिंग भी जाना है, दोस्तों के साथ भी घूमना है, मोबाइल भी चलाना है, मैच भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, बहुत कुछ है। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा अपना, कि किस तरीके से करेंगे। कुछ चीज़ें में जो मैंने बोली है कि मैच देखना, ये देखना, वो सिर्फ हाइपरबोलिक भी, वो नहीं करना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का त्याग बलिदान करना पड़ेगा, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपको आपका आपकी लाइफ आपको इसकी इजाज़त नहीं देती है कि आप थोड़ा बहुत इंजॉय करें। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी आपके एग्जाम में, फिर आपको जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा क्या कहना है, मैं ऑलरेडी ये वीडियो बन चुका है टाइम एंड फोकस मैनेजमेंट, इसको आप जाके देखिए कि अपनी प्रायोरिटीज को कैसे डिफाइन करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है और पढ़ाई कैसे करनी है। तो अब मूविंग करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि रिविजन होता क्या है, रिविजन करना कैसे है, रिविजन क्यों किया जाता है और रिविजन की क्या क्या टेक्निक होंगी, ठीक है, उसी पर बात करेंगे। डिसाइड विच आस्पेक्ट ऑफ रिविजन यू वांट, मतलब हमको कौन सा रिविजन चाहिए। डू यू नो द बेस्ट वे टू द प्लान योर टाइम, मतलब आप कौन, आपको पता है कि रिविजन करने के लिए आपके पास प्लानिंग क्या होगी, आपके पास क्या होना चाहिए। दूसरा क्या है, आप क्या समझते हैं कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव रिविजन क्या होता है, मतलब क्या होता है कि कुछ तो रिवाइज करते हैं मगर उसके बावजूद भी आपको चीज़ें याद नहीं रहती, मतलब आपकी जो टेक्निक है वो उतना प्रोडक्टिव टेक्निक नहीं ना जितनी प्रोडक्टिव टेक्निक होनी चाहिए। तो यही दो टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पे, कि हमें रिविजन कैसे करना है और क्या इफेक्टिव तरीका होगा रिविजन करने का। चलिए देखते हैं। अब प्लानिंग रिविजन, अब देखिए प्लानिंग कैसे करनी, आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं, मैं आपको टाइम टेबल दिखा दूँ, इस तरह का होता है। मैं अपने सिक्स क्लास से लेके मैंने टेंथ तक कह सकते हो, टेंथ तक ये टाइम टेबल मैंने बनाया, और कभी लिखा कभी नहीं लिखा, कभी फॉलो हुआ कभी फॉलो नहीं हुआ, हार्डली फॉलो हो पाता था, बहुत मुश्किल होती थी। फिर 11-12 में थोड़ा सा सीरियस हुआ तो फॉलो हुआ, उसके बाद बीएससी में कह सकते हैं कि समहाउ सीरियसनेस थी, क्योंकि बीएससी में मेरा जियोलॉजी नहीं था, आप लोग के नॉलेज के लिए बता दूं, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था।
जब सीरियसनेस आई तब पता चला कि नहीं, टाइम टेबल का कितना इम्पोर्टेंस होता है इसको। या तो आप नॉर्मल टाइम टेबल के हिसाब से बना लीजिए, या फिर इसमें आप अपना और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें आप पहले क्या कर सकते हैं, आपको ये ब्लैंक टाइम टेबल मिल गया है, इसमें आप क्या करते हैं मार्क ऑन द आवर्स ऑफ द वीक, मतलब आप उसको फिक्स अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो रखिए। उसके बाद और भी फैमिली कमिटमेंट होगा या और भी चीज़ें होंगी, जैसे आपको कोचिंग जाना है या नहीं जाना है, दोस्तों से मिलना है, फैमिली के कमिटमेंट है। इन जनरल जो लोग तैयारी कर रहे हैं हमको नहीं लगता कि उनको फैमिली कमिटमेंट है, कुछ लोग अपने घर से आके बाहर रह रहे हैं तो उनके पास पूरा का पूरा अपना टाइम है, चाहे वो दिन में पढ़ें चाहे वो रात में पढ़ें, डिपेंड अपॉन उनकी कंडीशन कहती हैं कैसी हैं, क्लासेस कब चल रही हैं कब नहीं चल रही हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बट मेरा जो सजेशन यही रहेगा कि आप जितना ज़्यादा अपना टाइम दे सकते हैं पढ़ाई में उससे ज़्यादा टाइम दिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजा है। ये तो फिर सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा हट जाएगा, बट इन जनरल मैंने दे दिया कि ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। डू यू वर्क, अब आप सुबह अच्छा पढ़ते हैं शाम को, ये सबका अपना अपना अलग है। कुछ लोग सुबह उठ के ज़्यादा ग्रैस्प कर पाते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ रात में, कभी कुछ लोग होते हैं वो कभी भी पढ़े तो अच्छा पढ़ लेते हैं। फिर क्या है एम द सेशन। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये जो पॉइंट है पोमडोरो टेक्निक, ये एक टेक्निक है, ये इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है टमाटर। जब ये जो शेफ थे इटालियन में, वो क्या करते थे कि जो उनकी डिश होती थी, डिश का टाइम ज्यादा ना हो जाए, ओवर कुक ना हो जाए या अंडर कुक ना हो जाए, तो वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, टाइमर। बेसिकली आप कह सकते कि टाइमर लगाते थे कि विद इन द टाइम हमको उस जो हमारा खाना है जो हम पका रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। तो इसी के टेक्निक पे ये हुआ है कि ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इससे क्या होता है, पोमोडोरो टेक्निक से क्या होता है कि आप अपने काम को, एक जो टास्क आपने दिया है उस टास्क को एक टाइम देते हैं कि मैं इस टाइम पे करूंगा। इन जनरल 25 मिनट का एक पोमोडोरो सेशन होता है, उसके बाद 5 मिनट का एक ब्रेक होता है। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, ना आपके मोबाइल में जिसका आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसमें टाइमर है। आप उसमें टाइमर लगाइए कि आप 25 मिनट तक या 30 मिनट तक या 35 मिनट तक या 40, ये आपके ऊपर है कि 45 मिनट तक मैं पढ़ाई करूंगा। ये 45 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट कैसे डिपेंड करता है वो भी आएगा, और पोमोडोरो टेक्निक का फायदा क्या होगा वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो पोमोडोरो टेक्निक जब हम लगाएंगे तो हम अपने टास्क को एक टाइमिंग देंगे कि इस टाइमिंग तक मुझे कंप्लीट करना है, तो आप टाइम बाउंड हो जाएंगे। अगर कंप्लीट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, पोमोडोरो टेक्निक क्यों इतना इफेक्टिव होगी वो सब अभी पता चलेगा आपको। फिर क्या है कि आपने जो सब कुछ कर लिया, चेक नंबर ऑफ असेसमेंट। अब क्या है कि आप रिवीजन करते जा रहे हैं, आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने अपना सारा कमिटमेंट कर दिया, फिर आपने अपने आप को डिसाइड कर लिया मैं सुबह पढ़ूंगा शाम को पढ़ूंगा, फिर किस हिसाब से पढ़ूंगा, फिर ये असेसमेंट मतलब यहाँ पे एग्जाम कर सकते हैं कि एग्जाम की डेट क्या है। आप कुछ लोग जब तैयारी करते हैं तो उनके वीकली एग्जाम्स होते हैं, मतलब जो टेस्ट सीरीज इसको बोलते हैं, या तो 15 डेज में होता है। अपने आप में ही आप अपना वीकली असेसमेंट कर सकते हैं कि मैंने आज एक हफ्ते में टॉपिक पढ़ा, आज मैं इसको पूरा का पूरा खुद से रिवाइज करूंगा, खुद बताऊंगा कि आज मैंने क्या पढ़ा है। तो असेसमेंट आप अपने आप से भी कर सकते हैं, किसी टीचर के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हैं। अब इतना हो गया, अब देखिए कि आपको उस टॉपिक पे कितना कॉन्फिडेंस आया। जनरली क्या होता है कि आप टॉपिक पढ़ तो चुके रहते हैं, चलिए आपने पूरा पढ़ लिया, अब एक दोस्त आता है या कोई आता है पूछता है अच्छा इसके बारे में बताओ, तो आपको लगता है कि हाँ ऐसा तो था। उस समय तक तो आपको पूरा याद रहता है कि हाँ ये ऐसे 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 होता है, और जब कोई पूछता है तब आपको लगता है अरे यार ये क्यों मिस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो वही वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है, जहां जहां पे दिक्कत आ रही, जिस जिस पॉइंट पे आपको लग रहा है नहीं ये मेरा क्लियर नहीं ना, ये मेरा क्लियर नहीं ना, ये मेरा क्लियर नहीं ना, उस चीज को आपको देखना है। फिर एट द ईच मतलब हर वीक पे फिर आप अपना असेसमेंट देखिए, रिवीजन प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करिए कि नहीं मैं लास्ट टाइम जो पढ़ा था मेरा ये चीज पॉइंट रह गया है और इसको फिर से पढ़ना है, तो अकॉर्डिंगली अपना रिव्यू रिवीजन प्लान करिए और फिर से प्लान को बनाइए। जरूरी नहीं ना कि आप एक पेपर लीजिए चार्ट लीजिए उससे करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट चीजें जब लिखी होती हैं तो जैसा कि एक कोट है कि जब आपको आप प्रॉब्लम को अच्छे से लिख लेते हैं तो हाफ डन हो जाता है, 50% टास्क कंप्लीट हो जाता है कि आपको करना क्या क्या है। बट इसको करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, ये भी ध्यान रखिए कि हम लोग प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं मगर करते कुछ नहीं ना। आपको करना क्या है, आपको करना है, करना है और करना है, ये याद रखिए, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट का मैं बता दिया, इन सबको आपको टाइम के साथ मैनेज भी करना है क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है अपना,
और आपको क्या कहते हैं रिवीजन करके कंपटीशन एग्जाम भी देना है। अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो चीजें, रिकॉग्नाइजेशन वर्सेस रिकॉल। सब बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, सबको मालूम है, जो भी मूवी हम देखते हैं एक बार उसका मतलब क्या होता है, कभी आप कोई से भी मूवी आपने देखा है उसके करेक्टर का जब हम नाम लेते हैं या करेक्टर देख लेते हैं या पोस्टर देख लेते हैं तो हमको मूवी के बारे में प्लॉट समझ में आता है कि हाँ इसमें ऐसे 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 हुआ था, क्योंकि आप मूवी देखते हुए रहते हैं, इंटरेस्टिंग होती है। मगर अगर हम और डिटेल की बात करें जिसमें आप सिर्फ पिक्चर देख के, मूवी का ट्रेलर देख के, मूवी का थोड़ा सा प्लॉट देख के और मूवी का पोस्टर देख के आप बता लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, थोड़ा बहुत आइडिया होता है, हीरो का नाम ये सब भी बता लेते हैं, तो इसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन। मगर उसी मूवी का अगर हम आपको डिटेल में बात करें कि डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर का नाम बता दे, कोई लाइन पूछ ले, अगर फेमस लाइन नहीं है मूवी की वो लाइन पूछ ले, कोई सॉन्ग के लिरिक्स पूछ ले, तो इसमें क्या होता है कि आपको उसको रिकॉल करना होता है। मतलब आपसे पूछा जाता है फिर आपको रिकॉल करना होता है, आपको बताया नहीं जाता। हाँ अगर वही लिरिक्स हम आपको सुना दे फिर पूछे तो आप शायद जल्दी से बता लें। तो हमें एग्जाम में क्या करना होता है, हमको रिकॉल करना होता है, रिकॉग्नाइज नहीं करना होता। तो हमको ये देखना है कि हम रिकॉल कैसे कर सकते हैं, रिकॉल करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे कोई टेक्निक होगी जो हमसे जल्दी से रिकॉल हो जाए, इसी पे हमको ध्यान देना है और यही रिविजन स्ट्रेटेजी हमारी होगी। ठीक है चलिए, अब वाई, अब यहाँ पे बात यह कि हमें रिवीजन करना ही क्यों पड़ा। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि रिवीजन 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 कर रहे हैं, पर रिवीजन करना ही क्यों है, क्यों रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आपको फॉरगेटिंग कर्व के बारे में मालूम है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो विद इन 18 मिनट्स में वो आपका 60% रह जाती है आपके दिमाग में। ठीक है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका जो, अगर आप उसको विद इन वन डे, ये आपका जो वन डे है ये वाला है, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आप उसका कितना परसेंट भूल जाएंगे, 40%। फिर अगर फिर भी रिवाइज नहीं किया आपने, 1 वीक हो गया, 1 वीक पे आप पहुंच जाएंगे इसके 30% पे, 30% करते करते थोड़ा बहुत याद आएगा आपका 25% तक। आप 3 महीने तक मान के चलिए कि 25% आपके दिमाग में रहेगा, तो आप एक बात मान के चलिए कि 25% तक आपको याद रहेगा अगर आप 3 महीने तक उसको नहीं भी पढ़ते। और जनरली यही होता भी है कि थोड़ा थोड़ा याद रहता है, ज्यादा याद नहीं रह पाता। अगर आप पूरा चैप्टर रिवाइज करने जाए तो आपको लगता है अरे हाँ ये थोड़ा थोड़ा सा तो याद है, जैसे हेडिंग्स याद रह जाती है, मोटा मोटा डिफिनेशन याद हो जाता है, डिटेल में ज्यादा नहीं याद हो पाता है। तो हमको रिवीजन की जरूरत इसी वजह से पड़ती है कि हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट ग्रैप नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या करना होता है, हमको रिपीटेशन करना होता है, रिवीजन करना होता है एज पर टाइम स्केल। अगर आप एक दिन के अंदर, चलिए हम 18 मिनट का नहीं करते, 18 मिनट में थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, एक दिन के अंदर रिवाइज कर लेते हैं तो आप फिर से 100% पे पहुंच जाएंगे। फिर दूसरा रिवीजन आपका, जो मैंने असेसमेंट के लिए आपको 1 वीक बोला था, तो दूसरा असेसमेंट आप 1 वीक का रखिए तो फिर भी आपका 100% हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 1 मंथ में कर सकते हैं। देखिए ये आपका स्टडी है, स्टडी या कह सकते हैं कि डिसिप्लिन वाइज है, आपको बहुत डिसिप्लिन से होके पढ़ना पड़ेगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये आपको पढ़ने के बाद का कॉन्सेप्ट है, जब आप रीडिंग कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, ठीक है नोट्स बना चुके हैं, नोट्स आपका शॉर्ट लॉन्ग्स और नॉन नोट दोनों हो सकता है, ये तब की बात है। अभी आप ऐसे सुबह उठेंगे और सिर्फ रिविजन करके पढ़ाई कर लेंगे या एग्जाम क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये थ्रू ए प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट अभी नहीं किया है, अभी जितना टाइम है उतना जितना पढ़ चुके हैं उसको कायदे से पढ़िए और उसको कम से कम रिवाइज करते यही ताकि वो तो आपको याद रहे। ठीक है, तो ये रिवीजन का आपका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर अभी 6 महीने का आप टारगेट लेके चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप फिर से उस टॉपिक को 1 महीने के अंदर रिवाइज कर लेते हैं तो फिर वो 100% चला जाता है, फिर 3 मंथ्स में रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपको काफी दिनों तक याद रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर अब बार बार क्या जाके पढ़ें, रीडिंग नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ रीडिंग नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे होगा, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से नोट्स बनाने के बाद, जब आपके पास एक अच्छा तरीका से नोट्स होगा तो आप उस पेज को फिर से देखेंगे। जैसे मूवी का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि पोस्टर देखते साथ ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये हीरो था, ये प्लॉट था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उसी तरह आपका चैप्टर भी एक पोस्टर में होना चाहिए। वो कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्यों रिविजन करना पड़ता है, क्योंकि हम चीजें भूल जाते हैं। अब जब हम भूल जाते हैं तो हमको रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है शॉर्ट टर्म रिवीजन और लॉन्ग टर्म रिवीजन। मैंने आपको बता दिया 18 मिनट का एक दिन का हो गया, फिर यह आपसे 1 से 3 महीने का लॉन्ग टर्म रिवीजन हो गया।
चलिए ये तो हो गया रिवीजन। अभी हम ये चीज भूल जाते हैं कि मेरे एग्जाम में, जेम के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में एक मंथ बाकी है, तो उसी के हिसाब से पढ़ना है। हम इस तरीके से बात करते हैं अभी अभी के लिए फिलहाल, कि आपने तैयारी स्टार्ट की और आपको नेक्स्ट ईयर जेम देना है, तो नेक्स्ट ईयर जेम के हिसाब से ही अगर बात करें तो ये शॉर्ट टर्म क्या होगा और लॉन्ग टर्म क्या होगा। देखिए, आपने क्लासेस अटेंड की, क्लास में सर ने आपको कुछ बताया, कुछ पढ़ाया, कोई टॉपिक किया, आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में अगर कोई गैप है तो फौरन के फौरन सर ने क्या बताया उसको एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, और जो नोट्स सर ने बनाया वो उसको नोट्स को अच्छे से आपने वहीं पे लिख लिया। आप घर गए, अब मान लीजिए आप बैक टू बैक क्लासेस से आप नहीं कर पाए, तो आप जब घर गए तो आपने अगर 5 चैप्टर आपका पीरियड चला था, इन 5 पीरियड को आपने 10 मिनट दिया, ठीक है 10 मिनट दिया तो आपका 50 मिनट हो गया। 50 मिनट में आपने पूरा का पूरा आज दिन में क्या किया, कितना पढ़ाई किया, वो फिर से आपने रिवाइज कर लिया, ये एक पार्ट आपका हो गया। आपको एक और अच्छा तरीका बताते हैं, इसके अलावा जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले सोचिए कि आज दिन भर आपने क्या किया, क्या क्या टॉपिक पे, आंख बंद करके सोचिए कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था। इससे आपका सोने से पहले जब आप जाएंगे, और ये कहा जाता है कि सोने से पहले जो काम करो तो वो वैसे ही सपना आता है, तो कितनी अच्छी बात होगी कि आप सोने से पहले अपना टॉपिक देख के जाइए, पढ़ के जाइए, सोच के सोइए, तो आप रात भर पढ़ते रहेंगे तो आपको, आपके लिए तो और अच्छा रहेगा। तो जो चीज़ें हम लोग को बताई गई उस चीज़ का हम पॉजिटिव इस्तेमाल क्यों नहीं करते, उसी को हम पॉजिटिव वे में यूज करें ना, तो ये तरीका हो गया। अब दूसरे दिन जब आप क्लास में बैठे तो 5 मिनट पहले फिर रिवाइज कर लिए कि सर ने पिछला क्या बताया था, अगर उससे कोरिलेशन में आगे बताएंगे तो हमको पता होना चाहिए। ये आपको बहुत फायदा करेगा, जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि हम लोग को कोरिलेशन लगा रहता है बार बार, और इतना वास्ट हमारा टॉपिक है कि जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे हम चीजें भूल जाएंगे, और भूलने के बाद फिर से पूरा पढ़ना बहुत दिक्कत की बात होगी। अब क्या है बेस्ट टेक्निक फॉर रिवीजन, अब रिवीजन की सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक क्या होगी, मेक श्योर व्हेन यू आर रिवाइज दैट यू आर ट्रेनिंग योर मेमोरी टू रिकॉल फैक्ट्स। आपको अपनी मेमोरी को बताना है कि आप रिकॉल करना है, आपको रिवाइज करना है, रीड होल बुक, कैन नॉट रिवाइज और रीड होल बुक, मतलब पूरी बुक को हम रिवाइज नहीं कर सकते, पूरी बुक को हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ना तो है ही नहीं है, पूरी बुक को रिवाइज भी नहीं कर सकते, मतलब पूरी बुक से यहाँ क्या मतलब है यहाँ पे, कि ये जो पूरी की पूरी बुक है इसको आप नहीं रिवाइज कर सकते, इसका कुछ आपने नोट्स बनाया होगा, शॉर्ट नोट्स होगा या नोट्स होगा या सेलेक्टिव नोट्स होगा, उसको रिवाइज करेंगे, और उसका भी हम टेक्निक बताते जाएंगे कि ये देखने के बाद, मतलब कोई एक ऐसी चीज हमारे पास होगी कि उसको देखने के बाद हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में हमारे नजर के सामने आ जाए, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। अब इसमें दो टेक्निक आती है, पैसिव रिवीजन टेक्निक होगी और एक्टिव रिवीजन टेक्निक होगी। दोनों में क्या फर्क है, पैसिव रिवीजन टेक्निक भी कुछ हद तक फायदेमंद होती है, बट एक्टिव तो फायदेमंद होती ही होती है, कुछ लोग पैसिव करते हैं कुछ लोग एक्टिव करते हैं। पैसिव मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये टेक्निक अगर आप कर रहे हैं और आपको फायदा नहीं हो तो इसको छोड़ दिए, एक्टिव में चले आइए। अब देखिए पैसिव में क्या है, आप समझिए, रीड मतलब आप अपने नोट से पढ़ रहे हैं जो आपने पहले बनाया था, बट उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया उस नोट्स को छोड़ दीजिए अगर आप उससे फायदा ही नहीं उठा पा रहे, पहली टेक्निक। दूसरी, अगर आप अपने नोट्स को टाइप कर रहे हैं या फिर से नोट्स का नोट्स बना रहे हैं या दोस्त के नोट्स से नोट्स बना रहे हैं, उससे भी अगर आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है तो उसको भी प्लीज छोड़ दीजिए, उससे भी आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके दिमाग के अंदर नहीं घुस रहा है। अब आप नोट्स के ऊपर हाईलाइट करते चले जा रहे हैं, बट आप दूसरे पेज पे जाते जा रहे हो तो लास्ट पेज में क्या था आपको नहीं याद आ रहा है, तो भी प्लीज उस चीज को मत करिए, वो भी आपकी पैसिव टेक्निक में जा रहे हैं। आपको लग तो रहा है आप पढ़ रहे मगर आप पढ़ नहीं रहे, आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा कि वाकई में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे को दिखाने के लिए मत पढ़िए, दूसरे को हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा था, शाम तक अपने घर अम्मा ने देख लिया, अब्बा ने देख लिया, भाई ने देख लिया, बहन ने देख लिया, जहां रह रहे हैं लैंडलॉर्ड ने देख लिया, अरे दिन भर पढ़ता रहता है, तो प्लीज वो काम मत करिए, अपने आप से ईमानदार बनिए, अपने आप से ईमानदार बनिए। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्यों नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक में ऐसा क्या है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। YouTube पे तमाम चैनल पड़े हुए हैं जहां से आपको चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिल सकती है पढ़ने के लिए, चाहे जियोलॉजी हो कोई भी सब्जेक्ट हो, इतना वास्ट कंटेंट है वहां पे, सर आपके बैठे हुए हैं, आपके क्लास में टीचर्स आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए एक बार। लिसनिंग टू द लेक्चर रिकॉर्डिंग, अब जैसे मैंने YouTube पे बोला कि आप लिसन तो कर रहे हैं मगर आपका दिमाग, देखिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, सर कहेंगे सर कंसंट्रेशन ही नहीं बनता है, पढ़ने तो बैठते हैं मगर दिमाग कहीं और घूमता रहता है, मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है वो देखने लगते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कर रहे हो तो वाकई में करना है, उसी को हम फोकस और कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अब हम एक्टिव टेक्निक की बात करते हैं, एक्टिव टेक्निक में सबसे ज्यादा होता है विजुअलाइजेशन मेथड, ये बायोलॉजी वाले बहुत यूज करते हैं, मेरी वाइफ तो जब वो
डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो उनका ऐसा हिसाब किताब था कि बुक आंख बंद करके वो बुक का पेज नंबर और फिगर नंबर बता देती कि हाँ इस बुक पेज नंबर पे इस लाइन पे ऐसा लिखा हुआ। तो उस तरह का अपने मेमोरी को आप ट्रेन करिए, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अब मान ली आपने परवीर सेठ की बुक उठाई और उसका पहला चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द पढ़ा। अब इंटीरियर ऑफ द आपने कैसे पढ़ा कि हाँ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, फिर उन्होंने इंटीरियर ऑफ द में तीन पार्ट बताया, क्रस्ट, मेंटल को, क्रस्ट में क्या था, ओशानी क्रस्ट था और क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था, फिर मेंटल के पार्ट में उन्होंने बताया, अच्छा स्टोनस्फीयर के बारे में डिस्कस किया, अच्छा जो उसकी जो हाइट वो क्या कहते हैं थिकनेस बताई थी 2900 था, क्रस्ट क्रस्ट कहाँ तक होता है, ओशानी क्रस्ट ज्यादा कम होता है, कॉन्टिनेंटल ज्यादा होता है, थिक होता है, फिर कोर की बात की, कोर की बात की, अच्छा इनर कोर आउटर कोर होता है, ये आपको दिखना चाहिए जब आप बोल रहे हैं तो ये दिखना चाहिए, ऐसा समझिए। अब हम गोंडवाना की बात करें, लॉरेशिया की बात करें, हाँ गोंडवाना लॉरेशिया ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर उधर गया उधर गया उधर गया, अच्छा नॉर्थ साइड मूव कर रहा तो नॉर्थ साइड, तो ये इमेजिन करिए, जितना ज्यादा इमेजिन विजुअलाइजेशन करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगे। जैसे कि हमने मूवी का एग्जाम्पल दिया, मूवी जितना सोचेंगे जितना ज्यादा देखेंगे वो चीजें ज्यादा याद रहती है, ये मेमोरी टेक्निक है, ये याद रखिए। सोचिए, कोशिश तो करिए, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है, करके देखिए शायद हो जाए, अगर हो गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी फिर तो, ठीक है। लिसनिंग टू योर ओन वॉइस, मैंने अपने एमएससी में ये किया है, आपको यकीन नहीं होगा, गेट क्वालिफाई करने के लिए मैं अपनी ही आवाज रिकॉर्ड कर लेता था, उस समय मोबाइल का कल्चर नहीं था इस तरह का, मेरे भाई ने मुझे ला के दिया था, ये कैसी जी उसी की फोटो है, आप समझ लीजिए कि मैं अपनी आवाज को रिकॉर्ड करता था। मेरा यूनिवर्सिटी जाने का जो टाइम होता था 30-35 मिनट साइकिल से मैं इसको सुनते हुए जाता था, सोने से पहले मैं ये सुनता रहता था कि आज मैंने दिन भर जो पढ़ा था, क्योंकि मैं अब फिर से उठ के थका हुआ हूँ पढ़ नहीं सकता था, तो मैं ये रिकॉर्डिंग करके सुनता रहता था, हाँ जो फिजिक्स की बात हो या फिर जियोलॉजी की बात हो जो टॉपिक था उससे मेरा और रिविजन होने लगता था। बट इसको सुनने में भी आपको इसको ध्यान से सुनना है, नहीं कि इसको सुनते सुनना नहीं है, दिमाग में घुसाना है, क्योंकि आप बात पढ़ नहीं सकते तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, आप उस रिकॉर्डिंग का सुन रहे हैं। अभी तो आपके पास माशाल्लाह गैजेट इतने ज्यादा ज्यादा है, मोबाइल में तो एकदम आप धुआंधार अच्छे से रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको सुनते रहिए। फालतू इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब चलाने से अच्छा ही है, कम से कम आप प्रोडक्टिव बनिए। फ्लैश कार्ड्स हैं, रिदम स्टोरीज, निमोनिक, मैं बहुत निमोनिक बनाता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं निमोनिक बहुत ज़्यादा बनाता हूँ जिससे आपको चीज़ें याद हों। निमोनिक आपको स्टेटिग्राफी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी मैंने जैसे अभी वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का निमोनिक बनाया था जिसमें आपको टाइमिंग में मैंने बताई थी कि टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, तो निमोनिक भी आप बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। निमोनिक अगर नहीं समझ में आया तो जिस तरह हमारा विबग्योर था, अगर आपको याद हो कि विबग्योर के वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये एक निमोनिक है। इसी तरह आप जियोलॉजी के रिलेटिव भी निमोनिक बना सकते हैं और मैंने बहुत से बना के आप लोगों से शेयर किए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टिकी नोट्स, थोड़ा सा हाई क्वालिटी के जो लोग होते हैं इनके पैसे ज़्यादा होते हैं, वो स्टिकी नोट्स बना बना के चिपका के रखते जाते हैं, या जो यूपीएससी के और आगे की तैयारी करते हैं वो भी स्टिकी नोट्स का यूज़ करते हैं। बट कम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की कोशिश हमें करना है, हम ये मान के चलते हैं कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपका नेट हो गया और थ्योरी हो गया, नेट की प्रैक्टिस आपको करते रहना, जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं वो आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं उसको भी ध्यान से देखना है। स्टडी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, न करना चाहे न कर सकते हैं, ये दो धारी तलवार होती है भाई, स्टडी ग्रुप स्टडी आपकी पढ़ाई होती भी है नहीं भी होती है, मटरगश्ती भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, ग्रुपबाजी भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, 5 मिनट का पढ़ाई होती है 25 मिनट की बर्बादी होती है टाइम की। तो इस पर ध्यान दीजिए कि जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो जो आपके दोस्त हों वो भी बहुत नहीं सीरियस हों जितना आप सीरियस हो अपने पढ़ाई के लिए। माइंड मैप की मैंने बात की कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज में आ जाए, तो एक पेज में आने का आप तरीका क्या करिए, पेज बना लीजिए, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, इसमें छोटे 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 लिखते जाइए। अगर आपको समझ में आता है, कुछ लोग की राइटिंग बड़ी खराब होती है तो नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए माइंड मैप बना लीजिए। माइंड मैप बना सकते हैं अच्छे से, माइंड मैप कैसा दिखता है कुछ इस तरीके से आप एक फिगर बना सकते हैं। अगर आप इस फिगर की बात करें, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, इस फिगर में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपका पूरे से ज्यादा चैप्टर इसमें है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ओशियानिक क्रस्ट, एक्सटीरियर ऑफ द सी लेयर, ठीक है, आपको कॉन्टिनेंटल को ए लेयर भी बोलते हैं, बी लेयर भी बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके यहाँ पे लेयर्स, मोहरोविल डिस्कंटिन्यूटी, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन जोन, गोलिस्टिक लेयर, आपका ये दालमा लेयर, ये जितने भी लेयर्स हैं डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है,
और ये आपकी जो मेन लेयर है, जब आपका मेंटल हो गया या आपका कोर हो गया, इसमें मैंने आपको ये भी लिखा कि कितने परसेंट वॉल्यूम है, कितने परसेंट आपका वेट है, और यहाँ पे थिकनेस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखा कि ये रिजिड है लिक्विड है। तो इस तरीके का मैप बनाते तो ये पूरा का इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपका क्लियर हो जाएगा। इसको देखते साथ आपको पता चले अच्छा हाँ इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इस डेप्थ में ये है, इस डेप्थ में ये है। तो सोचिए जो आपका 4-5 पेज या 10 पेज या 15 पेज का नोट्स था वो एक फिगर में आ गया। इसी तरह आप माइंड मैप भी बना सकते हैं कि हाँ चलिए अभी हम अर्थ की बात करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, तो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेंटल को डिवाइड कर दिया, कोर को डिवाइड कर दिया, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आप एक पेज में उसको समराइज कर दिए, लिख दीजिए। तो सोचिए जब आप एक पेज लेकर ऐसे देखेंगे, अब आपको 50 पेज, एग्जाम से पहले 50 पेज पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, जबकि एक पेज को 4-5 मिनट देखना ज्यादा आसान काम है। तो इस तरीके से आपका नोट्स का कॉन्सेप्ट रहेगा, और इस टेक्निक को यूज करते हो तो आपका रिवीजन में टाइम भी कम लगेगा। अब ये आपने रिवाइज कर लिया, जिसे रिवीजन टाइम हमने आपको बताया था शॉर्ट और लॉन्ग होता है, ये आपका रीडिंग टाइम भी होता है, रिवीजन के साथ रीडिंग भी होता है। आपको शॉर्ट नोट्स बना के आपने मतलब रोज रोज भी रिवाइज कर रहे हैं और हफ्ते में एक बार भी रिवाइज कर रहे हैं, मतलब जो आपकी साइकिल है, जो मैंने आपको फॉरगेटिंग कर्व बताया था यहाँ पे, ये इसमें मैं बाद में आऊंगा, ये फॉरगेटिंग कब बताया था कि आप कब भूलते हैं, तो उसमें आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आ जाएगा। अब आपको देखिए पढ़ाई आपकी दो तरह के तरीके से, रिवीजन तो मैंने बता दिया, ये रिवीजन जो माइंड मैप हमने आपको बताया है, माइंड मैप हो गया या फिर एक पेज में लिखने का हो गया, ठीक है, ये आपका CBT कंप्यूटर बेस तक आपको लागू हो जाएगा, आप अच्छे से कर लेंगे। बट जब आप राइटिंग बेस एग्जाम करते हैं, जैसे आप BSc का एग्जाम दे रहे हैं या MSc का अपने कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद आपका UPSC के थ्रू आप GSI दे रहे हैं, तो उसमें रिटेन आपको लिखना पड़ेगा। जब जब आप कोई रिटेन एग्जाम देंगे जिसमें आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसकी स्ट्रेटेजी रिवीजन की अलग होगी। तो मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपको रिवीजन टेक्निक हमने बताई है, ये आपको MCQ बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के रिलेटेड है, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, क्योंकि ऑप्शन को रिवाइज करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया रहता है, वो रिवीजन आपका आसान रहता है। जब राइटिंग होता है तब आपको रिवीजन में राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, जो फिगर मैंने आपको दिखाया है, अगर वही आप फिगर बना देते हैं GSI में तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, बट वो फिगर बनाने के लिए आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ रिवीजन। तो हमारे पास दो तरह का स्टडी हो गया रिवीजन का बेस्ड, एक तो कंप्यूटर बेस्ड हो गया जिसमें आपको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ वो पूरा देखना है, याद करना है और फिर एग्जाम देकर देना है, जाके देना है। अगर राइटिंग बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आती है कि सर पढ़ने तो बैठते हैं मगर पढ़ने में मन नहीं लगता, ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं हमसे कि मोटिवेट कैसे करें, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें। भाई कोई चीज चाहिए क्या कि आपको मोटिवेट हो, आप मोटिवेट ऐसे हो जाए कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, भाई पढ़ना ही पढ़ना है आपके पास, और कोई दूसरा ऑप्शन ही ना। अपने आप से वादा करिए कि मैं मोटिवेट रहूंगा, मैं पढ़ता ही रहूंगा, मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आए मुझे मोटिवेट करे, आज मैं मोटिवेट हूँ, आज मैं मोटिवेट हूँ, ऐसा नहीं होना है। आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को, आप ये सोचिए कि आपके घर वालों ने आपको भेजा, इतनी दूर भेजा, आपसे घर में साथ में भी रह रहे हैं, तो वो आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं, आप एग्जाम अच्छे से क्लियर करेंगे आपकी लाइफ बनेगी, तो ये सोच के कोई नहीं आप मोटिवेट होते हैं, कि मुझे खुद मोटिवेशन अपने आप से चाहिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहे तो भाई कुछ पर्क रख लीजिए कि आज मैं अगर इतना टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा तो मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेके अपनी मनपसंद चीज़ कोई खाऊंगा, या मैं चॉकलेट खाऊंगा, या मैं अगर क्या कहते हैं 2 पेजेस पढ़ लेता हूँ तो मैं 5-10 मिनट मोबाइल कर लूँगा और या मैच देख लूँगा। तो अपने से ही अपने आप को रिवार्ड देने की कोशिश करिए, तो जब वो टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपका रिवार्ड आपका इंतजार करता रहेगा, तो शायद वो आपको मोटिवेशन मिले, या मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँगा, 5-10 मिनट ज़्यादा सो लूँगा, आधा एक घंटा ज़्यादा सो लूँगा। तो अपने आप ही अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, मोटिवेशन के लिए आपको कोई कोट या किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अपने आप अंदर से ही आपको आना चाहिए कि मुझे करना ही करना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे जैम का एग्जाम क्लियर ही करना है, मुझे गेट का एग्जाम क्लियर ही करना है। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि जो पोमोडोरो टेक्निक की बात कर रहे थे, ये एक्चुअल में है क्या, जिस तरह आप चीजें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो आपको रिविजन करना पड़ता है। जब आप पढ़ते हैं, अब यहां पर सिर्फ पढ़ने की, यहां पर पढ़ा और भूला, रीड एंड फॉरगेट है यहाँ पे, मगर जब आप रीड करते हैं तो क्या रीड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे थे, यही पोमोडोरो टेक्निक है।
कि आपको कैसे पढ़ना है कि आप पढ़ते रहे, मोटिवेट रहे और अपना 100% देते रहे। अब इन जनरल क्या होता है कि जहाँ पढ़ने बैठते हैं तो शुरुआत का 5-10 मिनट तो बड़ा मजा आता है, अरे हाँ ये भी सही, ये भी सही है। फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, आपके पास टेबल में चीजें रखी हो, मोबाइल रखा है, एक नोटिफिकेशन आता है, देखने का मन करता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उसमें चला जाता है, और एक बार मोबाइल उठाया तो टाइम का पता नहीं चलता कहाँ गया क्या नहीं गया, तो गया फिर आपका टाइम। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये जो वर्क है, वर्क की टाइमिंग एज पर पोमोडोर ये 25 मिनट का दिया गया है, बट आप इसको 45 मिनट भी कर सकते हैं, 1 घंटे का भी कर सकते हैं, 1.5 घंटे भी कर सकते हैं, डिपेंड कि कहाँ पे आपकी एनर्जी कम हो रही है, ये ध्यान रखिए। ये टाइमिंग डिपेंड करती है कि एनर्जी फ्लो आपके अंदर कितना है। कुछ लोग घंटों घंटों बैठ के पढ़ते रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए कोई भी टेक्निक बहुत यूनिवर्सल नहीं होती है, हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कुछ लोग एक बार को बुक को देखते हैं उनको याद हो जाता है, कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, तो उन दोनों में फर्क क्या होता है एक दूसरे को एक ही लेवल पे लाने का, वो कम पढ़ रहा है वो ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, वो कम टाइम में पढ़ रहा है, आपको उसका बराबरी करने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। तो आप अपने हिसाब से अपना एनर्जी देख लिए, कुछ लोग होंगे 2 मिनट में ही भाई क्या कहते हैं अब नहीं मजा आ रहा है तो 2 मिनट पढ़ी, उसके बाद 2 मिनट के बाद 1 मिनट का गैप ले लीजिए, फिर 2 मिनट पढ़ी फिर 1 मिनट गैप ले लिए। जरूरत क्या है कि पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि कम से कम बैठे तो रहिए 2 मिनट तक। अगर आप 2 मिनट 2 मिनट करके बैठना स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद खराब लगने लगेगा, आप लंबा बैठना स्टार्ट करेंगे, 25 मिनट बढ़ेगी, आपकी टाइमिंग बढ़ती जाएगी, आपका एनर्जी फ्लो बढ़ता जाएगा। मगर इन जनरल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 25 मिनट के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए, फिर आप एनर्जेटिक होगा। बट ये जो ब्रेक होना चाहिए ये आपका आपको रिलैक्स करने के लिए होना चाहिए, ना कि वो मोबाइल देखने लगे, कोई एग्जॉस्टिव काम कर लिया, मतलब उसमें पानी पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, चाय शायद पी लीजिए, बाहर जाके देखिए, थोड़ा हाथ पैर स्ट्रेच कर लीजिए। 25 मिनट जरूरी नहीं ना, वो 45 मिनट का भी हो सकता है, वो 1 घंटे का हो सकता है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वो टाइमिंग वेरी करेगी। ओके, फिर आप जब 25 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे के बाद आते हैं तो फिर आप सोचेंगे आपके अंदर कितनी एनर्जी है। तो अगर 25-25 मिनट का आप यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और 4 ब्रेक लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 25 के बाद 5 मिनट मतलब 30 मिनट का हो गया, 4 ब्रेक लेते हैं तो 2 घंटे में आपने 1 घंटा 45 मिनट पढ़ा और 15 मिनट रिलैक्स हुए। बट जो 1 घंटा 45 मिनट होगा ये बहुत ही इफेक्टिव घंटा होगा आपका, ये आप समझ लीजिए कि ये आपका ऐसा घंटा होगा कि जिसमें आपने वाकई में पढ़ा होगा और आप खुद अपनी प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि वो जो चैप्टर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर वही बात होगी कि टाइम नहीं देना है, टाइम को यूटिलाइज करना है और उससे कोई चीजें सीखनी है। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो चीजें पता होनी चाहिए। खुद देखिए कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हर चीज की वजह होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है टीचर से बात करिए, मैं हूँ यहाँ पे अपने दोस्तों से बात करिए, जिससे भी हो सके बात करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, एग्जाम तो देना ही है, क्लियर तो करना, ये नहीं करेंगे तो फिर बाद में वही आएगी। तो अभी से अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर और भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा और मैं फिर से कोशिश करूंगा, माइंड मैप कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, और रीडिंग करते करते नोट्स बनाना है या रीडिंग कैसे करना है उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।